वे आगे बढ़ते मेरठ में शुक्रवार को एसओजी और पुलिस ने नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह के मेंबर असली नोटों के बीच में कागज की गड्डी लगाकर इन्हें नकली नोट बताकर ग्राहकों को बेचते थे। इनका एक साथी नोट गिनवाने के लिए नकली नोट के खरीदार के साथ जाता। इसी बीच रास्ते में इनके गिरोह में शामिल होमगार्ड का जवान सत्येंद्र अपने भाई कृष्ण के साथ नोट खरीदने वालों को दबोच लेता था। नकली नोट खरीदने वाला घबरा कर भाग जाता और बदमाशों का साथी नकली नोटों की गड्डी लेकर सत्येंद्र के साथ वापस लौट जाता, जिसके बाद ये सभी लोग नोट खरीदने वाले से ठगी गई रकम आपस में बांट लेते थे। अब ये जो गिरोह है अब तक करीब 20 वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपियों के पास से 4 बाइक मोबाइल बरामद हुए हैं। गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज के नोट की शेप में कटे हुए कागज होते हैं और पूरी गड्डियां तैयार कर देते हैं। मोहसिन और एक मेहताब, ये दोनों लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। प्लस इसमें एक होमगार्ड गिरफ्तार हुआ है मौके से, सत्येंद्र, जो लगभग 2006 से पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर काम कर रहा था। इसका भाई मौके से गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 अन्य इनके साथ ही गिरफ्तार हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।